जहां छोटी काशी मंडी के शिव मंदिरों में श्रावण मास का आगाज हो गया है, वहीं प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी श्रावण मास के दौरान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए। भूतनाथ मंदिर के महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि आज से श्रावण मास का आगाज हो गया है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ विधि विधान से करने से अनंत फल और प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। राजेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोले का श्रृंगार किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक सोमवार को यहां विशेष श्रृंगार किया जाएगा। किस लिए आए हैं आप यहां? पूजा करने, मत्था टेकने आए हैं। पूजा करने जो आया अपने पास से दे देना। बिल पत्री चढ़ाते हैं हमें, इसमें बिल पत्री है, चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाया जाता है, मतलब क्या मान्यता है इसको लेकर? हमने तो सदा शिव जी को बिलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, जो पैसे हुए वो चढ़ा दिए। हाँ जी, क्यों, मतलब आप क्या मानते हैं इससे कि आपकी मनोकामना पूरी होती है? ये तो भगवान जाने, ये परमात्मा ये करेगा तो अभी ठीक है, ये करेगा तो इसकी मर्जी है, जो इसकी मर्जी है, ऐसे तो कुछ नहीं बोल देते। वहीं श्रद्धालुओं ने भी श्रावण मास के शुभारंभ मौके पर भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पूजा की। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और अपने अनुभवों को भी साझा किया। आज से श्रावण मास का आगाज हो गया है, आज श्रावण मास शुरुआत हो गई है। श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजा पाठ और विधि विधान से अर्चन करने से अनंत फल की और प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। आज बाबा भूतनाथ मंदिर में आज से श्रृंगार शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरे श्रावण भर श्रृंगार चलेगा, लेकिन प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कभी खोए से, कभी पंचमेवा से, कभी विजया अष्टमी से, कभी पुष्प श्रृंगार, कभी फला श्रृंगार, तो इसलिए विशेष श्रृंगार प्रत्येक सोमवार को। और वैसे तो श्रृंगार आज से ही शुरू हो जाएगा, शाम को महाआरती और श्रृंगार दर्शन रात्रि में 8 बजे मिलेगा लोगों को। तो यहाँ आए और बाबा जो मंदिर शहर के आराध्य देवता बाबा भूतनाथ है, इनका दर्शन करें और अनंत फल की प्राप्ति करें। बाबा भूतनाथ। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल